अस्सलाम वालेकुम। बीए बीएससी एडीपी एमए एमएससी की तमाम यूनिवर्सिटियों की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। तो इस वीडियो में हम एक इशू देखने लगे हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इशू है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट आया है बैचलर का, ग्रेजुएशन का, तो उसके अंदर स्टूडेंट को ना मार्क्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इशू फेस करना पड़ रहा है। किसी का जो ना ज़ीरो मार्क्स हो रहा है। तो सबसे पहली तो बात तो ये है कि स्टूडेंट जब आप पोर्टल पे ऊपर क्लिक करते हो ना, आगे लिखा होता है व्यू कोर्स डिटेल, उसके ऊपर क्लिक करके ये आपको ऐसी डिटेल नज़र आएगी। फिर आपने जहाँ पे जिस सब्जेक्ट के सामने करोगे ना जिसमें ज़ीरो लगा हुआ है उसकी ये सामने ओपन होगी। आपने यहाँ पे देखना है असाइनमेंट और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अगर तो यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम मिस है या असाइनमेंट मिस है तो फिर तो आप लोगों को रीचेक के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, जिसके अंदर आप लोग दोबारा जो है वो यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट इशू करेगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम में भी मार्क्स लगे हुए हैं, असाइनमेंट में भी लगे हुए हैं और नीचे जो है ना एफ़ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप फेल हो इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पर एक दो मार्क्स लगा है, दो तीन चार, ठीक है, तो जारी बात है जब आप इतना पेपर अटैम्प्ट करती हो तो जाहिर बात है कि आपकी सप्ली तो नहीं आ सकती, यानी कि चार पाँच मार्क्स तो नहीं आ सकते। फिर वो भी आप लोग जो है वो रिजल्ट की तो सीख करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे मार्क्स 20 25 30 लगे हो तो फिर मतलब है कि आप लोग फेल हो चुके हो, क्योंकि इसमें आपको 50 प्लस मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट जीरो मार्क्स का इशू बता रहे हैं वो बार बार वो अपना चेक करें, यहाँ पे अपनी डिटेल में जाके आप लोगों को सारी समझ लग जाएगी। ठीक है, बाकी तमाम एजुकेशन की अपडेट के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।